तो चाय की थड़ी पे मिलने के बाद तो हमने ये प्लान बनाया था कि पतंग उड़ाएंगे। क्यों? हाँ अशोक बुला रहा था इसको, जानता क्या था अशोक को। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका रजनीश चौधरी हाजिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले जिसने कल का ब्लॉग ही देखा, देखना जरूर, हैप्पी न्यू ईयर वाला है, मज़ा आएगा। तो अभी अपन चल रहे हैं दोस्त के पास, क्योंकि वो आज आपको बता ही दूंगा हम चाय की थड़ी पे करते गए हैं। आप लोग सोचते होंगे हम रोज रोज चाय की थड़ी पे क्यों जाते हैं, तो मैं अभी बताता हूँ। देखो आपको हम चाय की थड़ी पे क्या करते हैं, पहले पहुँच जाता हूँ फिर मिलता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त आ रखा है विष्णु, जैसे कि आप जानते ही होंगे, हैप्पी न्यू वाले ब्लॉग में देखा ही होगा आपने सबको। तो यही है, एक दो जने साथ रहते हैं बस, फालतू लोगों मुँह नहीं लगाते हैं। तो चलते हैं उसके बाद, फिर मिलाता हूँ आपको उससे। तो चाय की थड़ी पे मिलने के बाद तो हमने ये प्लान बनाया था कि पतंग उड़ाएंगे। क्यों? हाँ अशोक बुला रहा था इसको, जानता क्या था अशोक को, फोटो भेजा था ना, तो इसको भेज देना। अरे जानता, रात को तो बुला रहा था 12 बजे, जानता उसको, ये जानता है मेरे को, जवान नगर वाला भूल गया रे, पता नहीं इसका क्या है, इसको फोटो दिखा। तो अभी हम पतंग उड़ाने आए हुए हैं भाई के घर पे, पतंगे भी खूब उड़ रही है। कितनी सारी पतंग उड़ाई है अभी, एक पतंग से उड़ा के तो काट दी हमने, समझो 10-15 पतंग हमारा भाई यही तकड़ा। तो अभी पतंग में टन डल रही है, जलाई डाल रहा है। हाँ जय हमारा अनिल भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई, इसके घर पे आए हैं पतंग उड़ाने के लिए। और ये चरखा, ये हमारा चरखा, औजार है ये पतंग उड़ाने का। और नंदू जी, पतंग में आप भी टंग डाल लिया? बिल्कुल, उड़ा दो। हमारी पतंग इस भाई ने काटी है, अब इसको काट देंगे हम, देख लेना आप कैसे काटेंगे। डाल दिया छोटू, आगे चाल लड़ी है ना, चले आज कोई बात नहीं उसको। तो भाई ने पतंग डाल दिया, तुम्हारा भाई पतंग उड़ाएगा। ले भाई आप फ्री बैठे हो ना यार, आप ऐसे पकड़ के आराम से बात। सो गाइस, रजनीश चौधरी फ्लाइंग फ्लाइंग इन द काइट, फ्लाइंग फ्लाइंग इन द स्काई काइट। हाँ बोल, उसको झलक दिखाऊंगा। टेप दे, क्या करेगा टेप का? ये हमारे अनिल भाई है, हमको पतंग का शौक था इसलिए जवाहर नगर आ गए हम पतंग उड़ाने। अशोक का फैन है बहुत बड़ा ये। ये कौन है? डंडू भाई, चेहरा दिखावा लग रहा है मेरे को तो इनका। रीशु टेप दे रहा हूँ, रुक, मेरा वाला क्या टेप जेब में है तेरे? नहीं है या तो स्वेटर के जेब में, स्वेटर के जेब में। ओके, मेरे सामने बैग भी दिखा दे एक बार, ये हमारे रोहित भाई तंग डाल रहे हैं, देखिए ये रजनीश भाई हमारे पतंग लंबी देते हुए। पहले तो फाड़ दी मैंने। हाँ ब्रो 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 रुको, निकाल ली बस थोड़ी, वो पतंग काट दी हमारे रीशु भाई ने। ये हम तो बाकी हम ही है बाकी। अरे हवा कहाँ चल रही है भाई? यार की हवा तो लगनी नहीं चल रही है। अभी पकड़ लो, ये हमारे रजनीश भाई, इनका पतंग लंबा होते होने जा रहा है। पतंग ही लंबा हुआ अभी तो, ये कोई लंबा भाई, सबकी साफ है इस बार, मुझे दिखा सबकी साफ है आज पतंग, मैदान पूरा साफ है। तो रनिल भाई, यस, कल अखबार में फोटो छपने वाली है यहाँ पे। ओके ब्रो, ओके, कौन आए थे? दो तीन चार शख्स, तीन शख्स जो पूरा मैदान साफ करके चले गए एक बार में।
नहीं आपके भाई ने काटे नहीं क्या पहली पतंगे बताओ बहुत ये गान ही फाड़ दी इनकी पतंग करते हुए पता नहीं चला बेस्ती कर दी यार तो मुझे मैं सकता है कौन था वो शख्स था सामने छत पे जो उड़ाऊंगा जब देखना तू तेरे भी काटूंगा जा रुक जा मंजे से ये आगे ऊपर देख ऊपर तेरे क्या हो रहा है नहीं दिख रही मेरे को पापा किसने ये पता नहीं बोतल का अरे पकड़े पतंग बोतल का है यार हेलो पकड़ियो भाई ये पकड़ियो हां अरे यार फूफा यार यार तने मेरी पतंग ले ली ना देख देख अरे बोतल का पतंग है यार ये देख बजों को देख देखिए माचिस हो गए हमारे क्या क्या तंग सही नाला है पतंग में इनके इनका फेस देगी चरपेट बढ़ेगी चरपेट बहुत तगड़ी चरपेट इनका पतंग उड़ाने का देखिए तरीका रोहित भाई कौन काटा तेरी कौन काटा रोहित भाई भाई क्या कर रहे हो चरखी पकड़ तेरे भाई ये देखिए इनकी चरखी भी खतरनाक सतरंगी सद्दा और बन जाए इनका लंबी हो जाओ और कटाओ है अरे वो तेरा सनसाइड नहीं आया अभी भाई बोलो जा नीचे जाओ दादी बोलो जा यार वो वो पेटीआर के रखी रहेगी पतंग भाई सारी पतंग काट दी अपनी पेटीआर के दरिया अरे अब आ रहा है घर पे उड़ा उड़ा के यूं वाली बातों की बच्चों वाली जल्दी लगा लेना ईंट ले लेना यार इसके पास हां ये मेरी है ये वाली ऊपर वाली बाकी सब काट दे इसको छोड़ दे बस हमारे भाई है बढ़िया वाले छोटे भाई भाई क्या कर रहा है अरे भाई ये भी काट संग तगड़े करी अरे भाई भाई पकड़ पकड़ खींच गया तो मेरी सारी ये खींच रहा है मेरी उड़ा रहा कोई नहीं है ऊपर मैं खींच नहीं रहा यहां से अगर मुझे तो बन जाए इसके पास देखो भाई गाइस हमारा तो देसी चोट हुई हम सोचे सद्य से उड़ा रहा है हमारा भाई और बाकी देखा तो अंडा छाप बंजा निकला अंडा छाप That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow.
I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. बंद करिए, रंजीत चौधरी की हमारी पतंग कट चुकी है, हो गई है भाई, किसी को बताना मत। आई लव यू, चुप हो जाओ। फिर गई क्या आपकी? हां यार, पतंग गई, पतंग गई, पतंग गई। जा रोहित, लूट ले इसको। रोहित भाई लूट ला, गई उधर गई वो। अरे अनजीत दीदी दे दो, दीदी दे दो, उड़ाएगा तो उड़ाएगा, दे दो दे दो। पहले ही हमारी सारी पतंग कट चुकी है और फुल बेइज्जती हो चुकी है। अच्छा लग रहा है बेइज्जती करवा के, क्या करें यार, आप फ्लेश मार के दिखा दो दुनिया तो आपका मासूम उदास चेहरा दिखाना पड़ता है। आप आज पतंग लाए थे, 150 रुपए के बर्बाद हो गए, तो हो गए हमारे। और अनिल जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, जवाहर नगर ने बर्बाद कर दिया हमारे। कब लोग बोलते हो जवाहर नगर भाई बहुत अच्छा है, पतंग बर्बाद हो गई है भाई हमारे, लूट के लायक पतंग भाई, दे दे फटाफट से, बहुत अच्छा है भाई, इसको आगे पहुँचाऊंगा मैं, डालूंगा इसमें टंग। काला पहाड़ है, ये दोनों मियाँ बीवी है, वहाँ पे टेप लगा दे, हवा पास होगी नहीं तो। रहने वैसे ही टेप लग रही है इसकी बहुत सारी है, अब काटूंगा सारी। अरे पेक भाई का प्लान था, बोला हमारे आ जाओ इधर, खूब सारा बाउंडर उड़ रहा है, बाकी सब कटवा ही रहे, बाकी सब कटवा रहे, क्योंकि दा तो था नहीं हमारे पास, तो इसे मंजे से उड़ाते ही हम सत्य। That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry. तो भाई चाय पी ली क्या? हाँ भाई पी ली। आपने पी ली क्या? आपने भी पी ली? बिल्कुल यार, ये हमारे दोनों भाई है जवाहर नगर के, कैसे हो? बस बढ़िया। तो भाई हमसे बहुत दिनों बाद मिले हम इन भाइयों से, कितने दिन हो गए? हो गया एक महीना 6 महीने 7 महीने। तो इस भाई का बर्थडे आने वाला कितनी तारीख को? 28 जनवरी। सबका बर्थडे आ रहा है, अभी तेरा आया, फिर इस भाई का आ रहा है, कपड़ा क्या है? बाकी अभी कहाँ पे अपन? लाल कोठी। अब घर कितना दूर है अपना? बहुत दूर है। तो घर चलते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है? मिलते हैं, ठीक है भाई, मिलते हैं। अरे भी मिला यार, ठीक है तो घर चलते हैं, अब फिर बात करते हैं आपसे। चाय वाय पीने के लिए रुके हुए थे हैं बाबू, भूख लग रही है आपको? खाना खिला। तो चलते हैं घर, पतंग पतंग उड़ाया आज पूरा दिन, इन भाई के घर पर उड़ाए थे, तो घर चलेंगे फिर बात। नेक्स्ट डे कैसी अपनी फैमिली की? अगला दिन है मतलब डे टू, तो हमने कल रात को बहुत मजे किए, दिख क्या हो गया, तो हमने कल रात को बहुत मजे किए, यही भाई सब गए थे हमारे, ये नहीं गया था, बाकी ये गए थे, ये तो बस कल पतंग पतंग उड़ाई, आज पतंग उड़ाने का प्लान है भाई, आज ही पतंग उड़ाएंगे, सोचा नहीं उड़ाएंगे या नहीं उड़ाएंगे, पता नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। हमारा तुषार भाई क्या शर्मा आया, थोड़ा ये शर्माता है, ये बोलता है कि मैं इनको नहीं, ये सोच रहा है कि कोई लड़की ना पड़ जाए, इसलिए शर्मा, कोई बात नहीं, बोले हाथ लगा जाए। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, यदि वो लोग अच्छे लगते तो प्यारा सा लाइक जरूर करना, कोई भी गलती हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कभी भी ठान लिए बात हम होंगे कामयाब।